मूवी की शुरुआत में हमें एक हादसे के बारे में पता चलता है, जिसके कारण कुछ साल पहले कुछ इंसान अचानक से ज़ॉम्बीज बन गए थे और अब बचे हुए इंसानों ने सिटी के दूसरी तरफ एक बॉर्डर को बना दिया है ताकि नॉन इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बीज ना बन पाए। फिर हमें मूवी में एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो की शहर में इधर उधर घूम रहा था, और फिर हमें ज़ॉम्बीज की दुनिया में एक और स्पीसीज को दिखाया जाता है जो पूरी तरह स्केलेटन जैसे दिखते थे, और क्योंकि उनकी स्किन बहुत ही जल्द झड़ चुकी थी इसलिए उनको बोनीज कहा जाता है। वो लोग ज़ॉम्बीज को तो कुछ नहीं करते थे पर वो इंसानों को मारकर खाते थे। फिर हमें वही ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा था, और क्योंकि ज़ॉम्बीज मरे हुए होते हैं इसलिए उनकी मेमोरीज भी नहीं होती, पर ये उन सबसे अलग था और उसे बस इतना याद था कि जब वो जिंदा था तब उसका नाम आर से शुरू होता है और हम लोग भी इस मूवी में उसे आर ही कहेंगे। फिर हमें दीवार के उस पार को दिखाया जाता है जहाँ इंसान रहते थे, पर क्योंकि शहर का आधा हिस्सा ज़ॉम्बीज के इलाके में भी था तो समय समय पर इंसानों को अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए ज़ॉम्बीज के इलाके में जाना पड़ता था। और फिर हमें एक टीम को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज वाले इलाके में जा रहे थे ताकि वो वहाँ से कुछ मेडिसिन और खाने पीने की चीजें ला सके। फिर वो सारे लोग दीवार के उस पार जाके एक मेडिकल स्टोर में पहुँचते हैं और तभी वहाँ वो लोग देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज भी इनकी तरफ आ रहे हैं, और इसलिए उस टीम में से एक लड़की जिसका नाम जूली था वो उनको शूट करने लगती है और ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और उधर दूसरी तरफ वो आर एक इंसान को पकड़ कर मार देता है और उसके ब्रेन को खा जाता है, और इस मूवी के अनुसार जो भी कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान के ब्रेन को खाता है उसकी मेमोरी वापस आने लगती है। और फिर आर जूली के पास जाता है और वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है, मानो वो जूली को पसंद करने लगा हो। थोड़ी देर बाद आर देखता है कि वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज अब जूली पर हमला करने वाले हैं, और आर यहाँ जूली के चेहरे पर ब्लड लगाने लगता है और जूली को अपने साथ ले लेता है ताकि बाकी ज़ॉम्बीज को जूली की स्मेल ना आ सके और उनको लगे कि जूली भी एक ज़ॉम्बी ही है। फिर आर जूली को अपने साथ एक खराब हो चुके प्लेन में ले आता है जहाँ आर रहता था, और वो जूली की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था मानो उससे कुछ कहना चाहता हो। पर यहाँ जूली बहुत डरी हुई थी और बस ये मना रही थी कि वो उस पर अटैक न कर दे। फिर आर जूली को देखता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि आर का दिल पहली बार धड़कता है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि ज़ॉम्बीज का दिल कभी नहीं धड़कता। फिर थोड़ी देर बाद जूली यहाँ से भागने की कोशिश करती है और आर को कहती है कि उसे भूख लग रही है, और आर जूली के लिए खाना लाने जाता है, और तभी जूली वहाँ से भागने लगती है पर सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को देखकर वो उस प्लेन के नीचे छुप जाती है। और तभी वहाँ आर आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें ज़ॉम्बीज के साथ रहना है तो तुम्हें ज़ॉम्बीज की तरह धीरे धीरे चलना सीखना होगा, और फिर जूली उसी तरह चलने लगती है ताकि किसी भी ज़ॉम्बी को शक न हो कि वो मुर्दों के बीच जिंदा इंसान है। फिर वो दोनों प्लेन में आ जाते हैं और आर जूली को कहता है कि कुछ दिन यहाँ रुक जाओ और जब तुम ज़ॉम्बीज की तरह चलना और खाना सीख जाओगी तो तुम आराम से यहाँ से निकल सकती हो, वरना ये ज़ॉम्बीज तुम्हें मारकर खा जाएंगे। जूली को भी आर बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि और ज़ॉम्बीज की तरह आर जूली को मारकर खाने के बजाय उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, और जूली रुकने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक रात आर का ज़ॉम्बी दोस्त जूली को पहचान जाता है कि ये इंसान है, और वो जूली को पकड़ लेता है। तभी वहाँ आर आ जाता है और बाकी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, और तभी वहाँ वो बोनीज आ जाते हैं और वो जूली को मारकर खाना चाहते थे, और आर यहाँ जूली को लेकर भागने लगता है, पर तभी उन दोनों को और बोनीज दिखते हैं, और तभी वहाँ आर का ज़ॉम्बी दोस्त उसकी मदद करने आ जाता है और बोनीज को कार से उड़ा देता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं किसी सुरक्षित जगह के लिए। फिर वो दोनों एक कार लेकर एक सुरक्षित घर पर चले जाते हैं। वो लोग उस घर के अंदर आते हैं तभी जूली को घर के बाहर शोर सुनाई देता है, और वो चेक करने पर बाहर पुलिस की गाड़ी को देखती है और उस कार में जूली के फादर भी थे, पर जूली वहाँ नीचे नहीं जाती क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो नीचे गई तो वो लोग आर को भी मार देंगे, और इसलिए वो नहीं जाती है। फिर आर और जूली थोड़ी देर आराम करने लगते हैं, और यहाँ हमें पहली बार आर को सोते हुए दिखाया जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज कभी नहीं सोते, और ये बहुत ही अजीब बात थी। फिर जब आर की नींद खुलती है तो वो देखता है कि जूली उसे छोड़कर जा चुकी है और वो बहुत ही उदास हो जाता है, और हम यहाँ देखते हैं कि आर पहले से अब ज्यादा तेज चलने लगा था और वो बारिश में भी भीग गया था और उसे ठंड भी लगने लगी थी। तभी वहाँ आर का ज़ॉम्बी दोस्त आता है और वो कहता है कि हम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हमें नींद आती है, हमें सपने भी आते हैं, और तो और हमें ठंड भी लगती है। तभी आर कहता है कि ये बात मैं जूली को बताना चाहता था पर वो सुबह होने से पहले ही चली गई, और वो सारे ज़ॉम्बीज आर के साथ जूली को ये बात बताने के लिए दीवार के उस पार जाने का प्लान बनाते हैं। आर किसी तरह इंसानों की बस्ती में पहुंच जाता है और आर यहाँ जूली के घर को भी ढूंढ लेता है, और फिर जूली आर को भी देख लेती है और बहुत ही खुश हो जाती है। फिर उसे गले लगा लेती है और आर यहाँ उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसने मूवी के स्टार्टिंग में उसके दोस्तों को मारकर खाया था, और फिर जूली उसे माफ कर देती है। और फिर जूली और उसकी दोस्त दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि अगर जूली के फादर को इसके बारे में पता चला तो वो उसे मार देंगे। फिर जूली आर का मेकअप करने लगती है और उसे बिल्कुल इंसानों की तरह बना देती है, और फिर वो लोग जूली के डैड के पास जाते हैं ये बताने कि ज़ॉम्बीज अब बदल रहे हैं और वो ज़ॉम्बीज को मारने
मारना बंद करे। पर जूली के डैड आर को देखते ही पहचान जाते हैं और आर के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। पर तभी वहाँ जूली की दोस्त जूली के फादर पर गन पॉइंट कर देती है और आर को बचा लेती है और वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो भाग के अपने दोस्तों के पास जाते हैं और आर का ज़ॉम्बी दोस्त कहता है कि पीछे से बोनीज भी आ रहे हैं। और तभी वहाँ बहुत सारे बोनीज आ जाते हैं और वो ऊपर से शीशे को तोड़कर नीचे आ जाते हैं और आर और जूली वहाँ से भाग जाते हैं। पर वो बोनीज बाकी ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगते हैं और तभी बहुत सारे आर्मी जूली और आर का पीछा करते करते उसी जगह पर आ चुके थे। और जब बोनीज इंसानों को देखते हैं तो वो तुरंत ही उन पर अटैक करने को बढ़ते हैं। पर तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी एक बोनीज को मारकर एक आर्मी ऑफिसर को बचाता है और यहाँ वो आर्मी ऑफिसर जान जाता है कि वाकई इन ज़ॉम्बीज में चेंजेस आ रहे हैं और ये इंसान बन रहे हैं। और बाकी आर्मी ऑफिसर भी अब ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर बोनीज को मारना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ आर जूली को लेकर भाग रहा था, तभी वहाँ बहुत सारे बोनीज आ जाते हैं और आर वहाँ से बचने के लिए ऊपर से छलांग लगा देता है और नीचे पूल में आके गिरता है। थोड़ी देर बाद जब आर को होश आता है तो जूली का डैड आर पर गोली चला देते हैं और जूली यहाँ डैड को उस पर गोली चलाने से मना करती है। तभी हम देखते हैं कि आर के शरीर से खून निकल रहा था और अब वो पूरी तरह से इंसान बन गया था और जूली ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। और अब जूली के डैड भी अपनी आंखों से खून देखकर ज़ॉम्बीज को मारने का इरादा बदल देते हैं और अब इंसान और ज़ॉम्बीज दोनों मिलकर बोनीज पर अटैक कर देते हैं और सारे बोनीज को मारने लगते हैं। और जो दीवार इंसानों और ज़ॉम्बीज को अलग करती थी वो साथ मिलकर उस बड़े दीवार को भी गिरा देते हैं और अब सारे लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। और आखिर में जूली और आर को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से इंसान बन चुका था। और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।